फाइन, तो अब आज की क्लास में हम लोगों को कुछ डिफरेंसेस करने बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। सो सबसे पहले हम लोग क्लास यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले क्लास हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लूरेस को। ठीक है, सो लेट्स सी। हमारे पास क्लास जब हम लोग सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरेस की बात करते हैं, हमारे पास तीन तरह की चीजें होती हैं। वन इज कॉल्ड सीडी, वन इज कॉल्ड डीवीडी एंड द लास्ट वन क्लास इज कॉल्ड ब्लूरेस। सो वी आर हैविंग क्लास थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डीवीडी एंड ब्लू रे। यहाँ पे सीडीज की 700। आई वॉज क्लास मैं आप लोगों को बता रहा था स्टोरिंग कैपेसिटी ब्लू रेस की 25 से लेके क्लास इट्स अराउंड 128 GB गीगाबाइट। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे वी आर हैविंग मल्टीपल एग्जांपल्स, और भी डिफरेंसेस हैं क्लास। जो लेजर लाइट यूज की जाती है क्लास ब्लू रेस के अंदर, सीडीज के अंदर, दैट लेजर लाइट इज रेड लेजर। डीवीडीज के अंदर क्लास जो लेजर लाइट यूज की जाती है क्लास, दैट इज ऑल्सो रेड लेजर। और क्लास यहाँ पे जो लेजर लाइट यूज की जाती है क्लास, दैट इज एक्चुअली ब्लू लेजर लाइट, और वी ऑल्सो कॉल इट वायलेट। वायलेट लेजर लाइट यूज की जाती है क्लास फॉर स्टोरिंग द डेटा। अब ये डिफरेंस क्या होता है आपके पास ब्लू लेजर लाइट और रेड लेजर लाइट में? लेट्स से मैंने यहां पे लिखा ब्लू लेजर लाइट से एक वर्ड, एंड दैट वर्ड क्लास वॉज उमर। ठीक है, और यही चीज क्लास अगर मैंने रेड लेजर लाइट से लिखी, लेट्स से सॉरी मैंने उल्टा कर दिया क्लास, रेड लेजर लाइट से लिखूंगा तो बड़ा आएगा, और मैंने अगर यही चीज क्लास ब्लू लेजर लाइट से लिखी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेड लेजर लाइट और ब्लू लेजर लाइट। इंटेंसिटी क्या होती है इसकी, वेवलेंथ क्या होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई आप लोग एक जगह के ऊपर ज्यादा डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यूजिंग द ब्लू लेजर लाइट बेटा। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस दैट यू शुड नो। फर्दर डीवीडीज के बारे में क्लास आप लोग को एक बात और याद रखनी है, डीवीडीज के बारे में आप लोगों ने क्लास एक बात और याद रखनी है, और वो बात क्लास क्या है? वो बात ये है कि वो बात क्लास ये है आपके पास दैट डीवीडीज जो आपके पास यूज करती हैं, दैट इज डुअल लेयर। तो डीवीडीज की क्लास कितनी लेयर्स होती हैं? दे आर हैविंग ड्यूअल लेयर्स, दो लेयर्स होती हैं आपके पास। ठीक है, तो ये क्लास छोटे से डिफरेंसेस थे क्लास, आप लोग को ये याद रखने अबाउट सीडीज एंड डीवीडीज। क्या क्या हो रहा है आज अबाउट सीडीज एंड क्लास डीवीडीज, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस क्लास आप लोग क्या करने याद रखने। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, अभी आगे और बात करते हैं। अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर दैट वी हैव टू गो थ्रू, दैट वी हैव टू गो थ्रू। मैं क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ा यहाँ पे, अब हमारे पास क्लास अलग अलग तरह की सीडीज आती हैं, सीडीज डीवीडीज दोनों के ऊपर ये ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इट इज कॉल्ड सीडी रोम। तो सीडी रोम क्लास क्या होती है आपके पास? इसके अंदर वी वी कैन ओनली रीड डेटा बट we cannot write, CD-ROM के बारे में। ठीक है, CD-ROM के बाद का आपके पास एक और चीज आती है, that is called CD-R। ठीक है,
or this is also called CD, sorry, DVD-R as well. तो क्या DVD-R क्या करती है आपके पास डेटा डेटा कैन ओनली बी रिटेन वंस देन इट्स रीड ओनली. तो डीवीडी क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं CD-R या फिर DVD-R. एक और आती है क्लास हमारे पास दैट इज कॉल्ड डीवीडी आरडब्ल्यू या वी कॉल इट सीडी आरडब्ल्यू. दोनों के अंदर क्लास हमारे पास ये चीज आती है. इसके अंदर क्लास क्या होता है डेटा कैन बी रीड एंड राइट बोथ साइमल्टेनियसली. डेटा कैन बी रीड एंड राइट बोथ. आप डेटा क्लास रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ठीक है. और एक और क्लास आपके पास आती है क्लास दैट इज कॉल्ड डीवीडी रैम. डीवीडी रैम का क्लास क्या एडवांटेज है क्लास इसके अंदर भी यही होता है डेटा कैन बी रीड एंड राइट बट एट द सेम टाइम. डीवीडी आरडब्ल्यू और सीडी आरडब्ल्यू में क्या होता है अगर रीडिंग कर रहे हैं तो राइटिंग नहीं कर सकते राइटिंग कर रहे हैं तो रीडिंग नहीं कर सकते. लेकिन डीवीडी रैम के अंदर क्लास क्या होता है आप डेटा रीड और राइट जो है एट द सेम टाइम क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये भी क्लास आपके पास एक छोटे से डिफरेंसेस थे जो आप लोग को पता होने चाहिए सीडी रोम सीडी आर सीडी आर डब्ल्यू एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. मुझे आगे बढ़ने दें क्लास. बिफोर लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. बिल्कुल एज मेनी टाइम एज वी वांट इज अ बिट ऑफ as many time as we want we can read and write the data. अच्छा ये अच्छा सवाल आया है क्लास के उमर ने पूछा है कि सर सही है आपने यहां पे बोला ये एक दफा हम लोग डेटा लिख सकते हैं एक दफा हम लोग डेटा लिख सकते हैं फिर हम लोग डेटा नहीं लिख सकते what stops us he is asking. कौन रोकता है सर हमें वापस से डेटा लिखने के ऊपर. उमर बेटा ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता आप वापस से डेटा उसके ऊपर. अच्छा पहली बात तो ये वाला जवाब दे दूं कि रोकता कौन है रोकता उसका सॉफ्टवेयर है. सीडीआर के अंदर क्लास आपके पास जब उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है जब आप उसके अंदर पहली बार डेटा लिखते हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन कर दिया जाता है कि अब आप वापस से डेटा इसके ऊपर नहीं लिख सकते. अब लिखते ये तो मैंने आपका पहली बात का क्वेश्चन का जवाब दिया है कि वॉट स्टॉप्स अस. तो आपका उस CD-R का जब फ्रेगमेंटेशन जब उसके अंदर पहली बार डेटा लिखा जा रहा है तो उसी वक्त सेट कर दिया जाता है कि भाई ये रीड ओनली है और अब इसके अंदर डेटा फर्दर आप लोग नहीं लिख सकते. ये उधर ही डिफाइन कर दिया जाता है. दूसरी बात का सवाल कि ये क्यों हम लोग स्टॉप करते हैं व्हाई वी स्टॉप राइटिंग द डेटा. हम सिर्फ एक दफा डेटा क्यों लिखते हैं बिकॉज क्लास उस CD की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती. बिकॉज CD किससे बनी हुई होती है प्लास्टिक की बनी हुई होती है तो वो प्लास्टिक का मटेरियल ऐसा यूज हुआ होता है कि उसके ऊपर सिर्फ आप लोग एक ही दफा बर्निंग कर सकते हैं. बर्निंग क्या होती है जब आप सीडी को अपनी मेल्ट करके उसके ऊपर डाटा लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग स्टफ दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग स्टफ. तो वो उसकी सीडी की क्वालिटी ऐसी होती नहीं है कि उसको बार 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 मेल्ट किया जाए. तो आप सिर्फ क्या करते हैं उसको एक ही दफा मेल्ट करके क्या करते हैं अपना डाटा लिखवा देते हैं एंड देन इट इज रीड ओनली. ठीक है. सो दैट इज वॉट. और कभी कभार एक और केस हमारे पास ये भी होता है कि कभी कभार आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं तो अब वो सॉफ्टवेयर आप नहीं चाहते कि कोई और कॉपी कर ले कोई और उसके अंदर एडिटिंग कर ले कोई और उसको कोई और करे तो आप क्या करते हैं उसको रीड ओनली करके दे देते हैं कि उसके अंदर कोई और चीजें आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते. तो ये भी कभी कभार हम लोग वहां पे यूज करते हैं. आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ बेटा. नहीं आपके पास सिंपल वही जो सीडी रोम होता है वही आपको मेल्ट करता है लेजर लाइट के थ्रू मेल्ट होती है. Let's move forward. आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे अब
तो क्लास अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे छोटे 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 छोटे, मैं आप लोगों को बता रहा था डिफरेंसेस हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को सारे क्लियर होने चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब आपको क्लास एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिलीवर करना है, आपको क्लास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट क्लास दैट यू शुड नो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, और ये कॉन्सेप्ट क्लास आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेनेवर क्लास हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अब यहाँ पे क्लास हम लोग देखिए कंपेयर कर रहे हैं चीजों को, तो व्हाई नॉट टू कंपेयर डीवीडी विद अ ब्लूरे। एग्जाम में सवाल, अच्छा सवाल है, लेट्स कंपेयर डीवीडी विद अ ब्लूरे। तो क्लास व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ देम, तो सबसे पहला डिफरेंस क्लास क्या आता है हमारे पास, पिट्स एंड लैंड्स। तो हम लोग, आप लोगों को पता है क्लास, डेटा हम लोग पिट्स और लैंड्स की फॉर्म में सेव करते हैं, तो डीवीडी के अंदर क्लास पिट्स और लैंड्स जो होते हैं क्लास, दे आर ग्रेटर इन साइज, ठीक है। और ब्लू रेस के अंदर क्या होते हैं, पिट्स And lands are smaller in size. ठीक है, further less storage. क्लास यहां पर आपके पास क्या होती है, more storage. further laser light. तो क्लास रेड और यहां पे ब्लू। फर्दर हमने यहां पे स्टोरेज की बात कर ली, लेस स्टोरेज, मोर स्टोरेज, ब्लू लेजर लाइट, रेड लेजर लाइट। फर्दर वी आर हैविंग मोर डिफरेंसेस, दैट इज, अब हम लोग थोड़ा सा मेजर डिफरेंसेस के ऊपर आते हैं जो आप लोगों ने शायद ना पढ़े हों आज तक, ठीक है। सो लेट्स सी, तो क्लास दैट डिफरेंस इज एक्चुअली कॉल्ड, ब्लू रेस के अंदर क्या होते हैं आपके पास, दे आर हैविंग बिल्ट इन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो दैट इज द एडवांटेज। ब्लू रेस हैविंग बिल्ट इन एनक्रिप्शन algorithm to secure data. I hope आप सबको क्लास एनक्रिप्शन का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता तो क्लास एनक्रिप्शन अभी सिर्फ ये जान लें, एनक्रिप्शन क्या होती है, आप अपने डेटा को कोडेड फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो that is called encryption, ठीक है। डेटा को कोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन। बाकी मैं बात करूंगा सिक्योरिटी के चैप्टर के अंदर, ठीक है। और फर्दर क्लास यहां पे एक और हमारे पास एडवांटेज है क्लास ब्लू रेस का, दैट एडवांटेज इज क्लास यहां पे आपके पास होता है क्लास हैविंग बाय रेफरेंस, और यहां पे क्लास क्या होता है, नो by reference. अब यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग ऑफ के सर what is this by reference, सर ये क्या by reference क्या चीज है, जो ब्लू रे में नहीं होती और डीवीडी में होती है, ब्लू रे में नहीं होती लेकिन डीवीडी में होती है।
तो क्या ये बाय रेफरेंजेंस का फिनोमेना आप लोगों को क्लास बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए, ये दिस फिनोमेना शुड बी वेरी क्लियर टू यू. बिल्कुल उमर, आपने जो पूरी एक बात लिखी है स्टेटमेंट में उसका सिर्फ एक जवाब दूंगा यस. गुड बात आपने अच्छी लिखी है, उसका एक ही जवाब दूंगा यस बेटा. ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात लिखी है. अच्छा जी, अब ये बाय रेफरेंजेंस क्लास क्या होता है, आई होप कुछ बच्चों को शायद पता हो. क्लास जब भी हम लोग सीडी और डीवीडी की बात, सॉरी डीवीडी की बात करते ना, तो डीवीडी में मैंने आप लोग को एक बात लिखवाई थी, आप सबके टीचर्स ने भी ये बात लिखवाई होगी, ड्यूअल लेयर. क्या लिखवाई थी बात? ड्यूअल लेयर. अब ये ड्यूअल लेयर क्लास देखिए कुछ इस तरह होती है. ड्यूअल लेयर क्लास आपके पास इस तरह होती है कुछ, मैं आपको बना के दिखाता हूं. पहली लेयर, तो दिस इज क्लास लेयर वन, ये आपकी लेयर वन है. ये क्या है सारे आपके वंस, ये जीरोस, वंस जीरोस, वंस जीरोस, वंस जीरोस. अब इसी के ऊपर क्लास क्या होती है, एक और लेयर आती है. तो क्लास दीज आर वंस जीरोस, वंस जीरोस. तो डेटा दो लेयर्स के ऊपर क्लास लिखा जाता है आपके पास, लेयर वन लेयर टू. अब क्या होता है जब लेयर वन से डेटा आप लोग को रीड करना होता है तो आप अपनी लेजर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो चेंज करते हैं और वो यहां से क्या होती है रिफ्लेक्ट बैक करती है, आप रीड कर लेते हैं. आप इंटेंसिटी चेंज करते हैं, ये क्या होती है रिफ्लेक्ट करती है, आप चेंज करते हैं, आप रीड कर लेते हैं. लेकिन और आपको जब सेकेंड लेजर लाइट से रीड करना होता है तो आप अगेन डिफरेंट इंटेंसिटी की लेजर लाइट पास करते हैं जो इससे पास हो जाती है और यहां से आप लोग को क्या करता है रिफ्लेक्शन होता है डेटा और आप लोग डेटा रीड कर लेते हैं. तो क्या डेटा रीड और राइट आप लोग रिफ्लेक्शन की वजह से कर रहे होते हैं. लेकिन क्लास कभी कभार क्या होता है आप लोग को रिफ्लेक्शन के बजाय, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बजाय, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बजाय आपकी लेजर लाइट क्लास, आपकी लेजर लाइट क्लास क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है. रिफ्लेक्शन के बजाय क्लास क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है. दैट कॉस्टेज अस एन एरर. वो हमें क्लास क्या कॉस्ट करती है, हमें एरर कॉस्ट करती है. तो क्लास दैट फिनोमेना क्लास दैट इज एक्चुअली कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बाय रेफरेंजेंस. तो क्लास ये एक एरर है, एक डिसएडवांटेज है क्लास. और ये हमारे पास कहां पर होता है, डीवीडीज का होता है, बिकॉज इट्स हैविंग टू लेयर्स, डबल लेयर. तो मैंने आप लोग को क्लास बाय रेफरेंजेंस पूरा प्रॉपरली लिखवाया, बाय रेफरेंजेंस क्लास क्या होती है आपके पास, डीवीडी इज मेड अप ऑफ टू डिस्क कंबाइंड, डीवीडी क्लास मेड अप ऑफ ड्यूअल लेयर्स. Sometimes, instead of reflection, the laser light is refracted, causing us an error. And class, this error is actually called by refringence. ठीक है, तो क्लास ये बात आप लोगों को by refringence का phenomenon पता होना चाहिए कि DVDs के अंदर कभी कभार आपके पास instead of reflection आपके पास refraction हो जाता है, causing us an error. ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी क्लास, आप लोगों को by refringence की पता होनी चाहिए. तो we compared class DVDs with Blu-rays as well. Moving ahead, moving forward, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और.
Let's see some more differences. ओके क्लास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखवाने जा रहा हूं और इस साल के लिए क्लास ये आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ है फॉर दिस ईयर. ठीक है, तो क्लास व्हेनेवर आप लोग कभी भी कोई डिवाइस चूज करते हैं, आप लोगों को क्लास एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको एक डिवाइस, मेमोरी की डिवाइस सेलेक्ट करनी है, तो आप किन पैरामीटर्स के ऊपर वो मेमोरी की डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके पास. ठीक है, सो सेलेक्टिंग अ मेमोरी डिवाइस whenever class you are going to select a memory device, aapka multiple parameters hote hain. For example, aap sabse pehle kya cheez check karte hain, aap check karte hain uski capacity. Second class aap log check karte hain uski price. Third aap log class check karte hain ki wo portable hai ya nahi hai. Fourth thing aap log class dekhte hain के वो ड्यूरेबल है या नहीं है. एंड एट द डे एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो दीज आर द क्लास पैरामीटर्स. व्हेनेवर क्लास यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी डिवाइस ऑफ द मेमोरी, आपको ये पैरामीटर्स अपने ध्यान में रखने पड़ते हैं कि भाई व्हाट इज द कैपेसिटी, व्हाट इज द प्राइस, पोर्टेबल है, ड्यूरेबल है, रिक्वायरमेंट क्या है मेरी. तो दीज आर द क्लास पैरामीटर्स व्हेन वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर वी आर सेलेक्टिंग एनी हार्ड डिस्क और एनी मेमोरी कैपेसिटी. अब हमारे पास क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रेज करता है. अब इस साल आपके पास पेपर के अंदर आप लोग को सिनेरियोस गिवन होंगे, पेपर वन के अंदर मेमोरी के चैप्टर से आप लोग को सिनेरियोस गिवन होंगे. सर किस टाइप के सिनेरियोस? आपको एक सिनेरियो गिवन है लाइक दिस वन, storing OS. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाना है? स्टोर करवाना है, स्टोरिंग OS. वो बोलेगा क्लास मुझे बताओ कि आप कौन सी डिवाइस सेलेक्ट करोगे, विच डिवाइस यू आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम. आप लोग भी लिख के बताएं मुझे जरा क्या सेलेक्ट करेंगे. और सेकंड सवाल होगा रीजन फॉर सेलेक्टिंग दैट डिवाइस. तो एनी वन, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करवाना है आप लोगों ने, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास आप लोगों ने स्टोर करवाना है, विच डिवाइस यू आर गोइंग टू यूज. एनी वन, यू कैन राइट टू मैक चैट बेटा. जबरदस्त इज अ एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, नेक्स्ट लेवल आंसर. और आप लोगों को पता है ना, जब मैं ज्यादा तारीफ करता हूं तो आंसर क्या होता है? उमर, मूसा, एनीवन, कोई बच्चा ही मुझे बताए जरा कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करवाना है, विच डिवाइस वी आर गोइंग टू स्टोर करवाना है. क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करवाना, स्टोर करवाना है. उमर, अगर मैं लोड का वर्ड लिखता ना तो फिर आपका जवाब सही था, रैम. ओहो जबरदस्त, क्या बात है. ओहो मूसा, एक्सीलेंट. तो क्लास व्हेनेवर वी वांट टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग क्लास सेलेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास स्टोर किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ही, एंड द डिवाइस आर ईदर एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव. ये दो ऑप्शंस क्लास हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करवाने के. रीजन फॉर सेलेक्टिंग दीज डिवाइसेस, reason class for selecting these devices class, large amount of memory. Further, fast access. Whenever you want to access, aap log easily, aapka memory ka part hai to fast access ho jata hai aapke paas data. Theek hai. Third,
read write both options are available. So class, this was one of the scenarios. इसी तरह हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज आएंगे क्लास पेपर के अंदर. पेपर के अंदर हमारे पास क्लास मल्टीपल सिनेरियोज आ सकते हैं. लाइक लेट्स डिस्कस वन मोर सिनेरियो, एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं. बाकी कुछ और सिनेरियोज मैं आप लोग को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा. ठीक है, लेट्स डिस्कस वन मोर सिनेरियो क्लास. द सिनेरियो कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर. Distribution of softwares. So class, again the device will be it can be CD-ROM, it can be DVD-ROM, it can be Blu-ray की तो ROM नहीं आती हमारे पास. और आप लोग यहां पे और भी डिवाइसेस के नाम लिख सकते हैं, लाइक यूएसबी या पोर्टेबल हार्ड डिस्क एक्सेबल. ठीक है, तो ये डिवाइसेस क्लास हमारे पास आ सकती हैं. रीजन फॉर चूजिंग दीज डिवाइसेस, आप लोग का क्लास सीडी रोम डीवीडी रोम ये ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कि डाटा इज read only. ठीक है, further the devices are portable. Third, easily duplicated. So class, this is this can be one of the devices class that we can one of the scenarios that can be given in the paper ke software aap logo distribute karna hai and all that. theek hai, so is tarah ke class questions aapke paas paper mein exam mein aa sakte hain. aur hum log kuch aur further 3-4 scenarios dekhenge but in our next class. theek hai, agli class mein dekhenge hum log apne kuch aur further scenarios. okay, we have a question before we move forward. two questions. So we have to specify every type of device possible. No, कोई भी दो लिख दो उम्र काफी है. ठीक है, कोई भी दो. सर सर won't be wouldn't we want our software not to be duplicated? देखो इससे बेटर डुप्लीकेट हो जाए, कोई मसला नहीं है. क्योंकि वो आप कॉपीज तो बनानी है ना आपने, लेकिन रोम से मतलब क्या है कि कोई सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता. लाइक आपके सॉफ्टवेयर को सिर्फ रीड किया जा सकता है. अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको कॉपी करके वो अपने पास सेव कर ले कर सकता है. ठीक है, लेकिन उस सीडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको एक गेम डाल के दिया, आपने उस गेम मैंने दिया आपको फीफा 2020, आपने उसके अंदर से हटा के आपने कर दिया कोई और गेम डाल दिया, लाइक आईजीआई डाल दिया आपने उसके अंदर और आपने दे दिया. अब मैं फीफा लगा रहा हूँ, आईजीआई चल रहा है, तो ये नहीं हो सकता. फिर जो सॉफ्टवेयर दिया वही सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सीडी के अंदर वही सॉफ्टवेयर रहेगा. ठीक है, हाँ एग्जैक्टली उमर, इट कैन बी कॉपीड टू सम अदर प्लेटफॉर्म एंड देन इट इज मैनिपुलेटेड बट नॉट पॉसिबल डायरेक्टली ऑन द सीरीज और डीवीडीज. बेटा बिल्कुल ऐसे ही होता है यहाँ पे. सो हमने कहा बहुत सारी बातें करी अभी यहाँ पे, और अभी बहुत सारी बातें और फर्दर थोड़ी बहुत करनी है. और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर फिर हम लोग मूव करेंगे अपने अगले चैप्टर के ऊपर. लेकिन बिफोर दैट हम लोग कुछ पासवरी क्वेश्चन भी परफॉर्म करेंगे ऑफ दिस चैप्टर एज वेल बेटा. ठीक है, डेटा इज नेवर 100% सिक्योर फॉर श्योर. डेटा क्लास याद रखना है आप लोगों ने, बिल्कुल कभी भी डेटा आपका 100% सिक्योर नहीं होता. इवन आपका नासा का डेटा क्यों ना हो, और या फिर आपका एफबीआई का डेटा क्यों ना हो, या फिर आपका रॉ का डेटा क्यों ना हो, किसी का भी डेटा हो, कोई एजेंसी का भी डेटा हो, डेटा इज नॉट सिक्योर. कभी भी डेटा क्लास 100% सिक्योर नहीं होता. यू कैन क्रैक दैट डेटा, यू कैन सिक्योर दैट डेटा. तो सही है क्लास, आज को यही तक होल्ड करते हैं. आप लोग अगेन